यार बहुत अच्छी थी, मज़ा आया देख के। और काफ़ी मतलब काफ़ी लोग रोए भी उसमें जो हमारे साथ आए थे, बाकी आप खुद जाके देख लो। एक्टिंग कैसी लगी आपको? एक्टिंग अच्छी, ऑब्वियसली इज़ अ गुड एक्टर और एक्टिंग तो अच्छी है उसकी। फिल्म की म्यूज़िक के बारे में? म्यूज़िक काफ़ी अच्छी म्यूज़िक दे रखे और दो तीन म्यूज़िक तो काफ़ी ऐसे अच्छे हैं, मतलब बहुत जो बॉलीवुड में ना काफ़ी बहुत यूनिक है वैसे म्यूज़िक, और दो तीन म्यूज़िक और काफ़ी अच्छे। कितने स्टार्स देंगे आप फाइव में से? सर स्टार तो मैं लाइक फोर। सर कैसी लगी मूवी आपको? काफ़ी अच्छा था मूवी, और काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मोटिवेशनल था, काफ़ी मतलब ये इमोशनल भी था, बहुत अच्छा था। शाहिद कपूर की एक्टिंग के बारे में क्या कहेंगे? एक रिमार्केबल परफॉर्मेंस आई वुड से। म्यूजिक सब ऑसम, सब एक भी म्यूजिक ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं है, कि सब म्यूजिक बहुत बढ़िया है ओवरऑल, मतलब म्यूजिक बोलो, डायरेक्शन बोलो, स्क्रीन पे बोलो, सब कुछ अच्छा है। कितने स्टार्स देंगे आप? फोर आ जाओ, 8 out of 10। किसको? लेना याद करा सर जी, क्या कहेंगे इस मूवी के बारे में, कितनी अच्छी बनी? बहुत ही उम्दा मूवी है, बहुत ही यू नो इट्स अ मस्ट वॉच, स्पेशली बिकॉज जो शाहिद कपूर हैं उनके यू नो वो सब फ्लैशेस आंखों के सामने आ गए, उड़ता पंजाब और जो भी यू नो वो अग्रेशन बट इन अ पॉजिटिव वे, उड़ता पंजाब हो या कबीर सिंह हो। और ये मूवी एक तेलुगू का रीमेक है, 2019 में एक तेलुगू मूवी इसी नाम से बनी थी जो मैंने देखी थी, जो इससे भी एक कदम ऊपर थी। और मूवी का डायरेक्शन बहुत अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है अनिल मेहता की, और एडिटिंग के ऊपर अगर थोड़ा सा ध्यान देते, थोड़े से आई फील 10-15 मिनट का क्लिप किया जा सकता था, 20-25 मिनट्स का, तो नवीन नूली को मैं यही कहूँगा कि अगर थोड़ा क्लिप कर देते तो अच्छा था। बाकी म्यूज़िक बहुत अच्छा है, पंजाबी सॉन्ग्स हैं सब, आई एम अ पंजाबी तो मुझे बहुत पसंद आया, तो वो जो साचेत परंपरा है इसके म्यूज़िक डायरेक्टर, उन्होंने बहुत अच्छे सॉन्ग्स कंपोज किए। केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, पहले आपने उनका रोमांस दिखाया है तो शाहिद कपूर तो ही उनका करिश्मा अभी भी यू नो अभी भी दिखने को मिलता है इस एज में भी, तो मतलब बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस, और दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, और दोनों कृणाल ठाकुर की भी एक्टिंग बहुत अच्छी है, और शाहिद कपूर का तो नॉकआउट परफॉर्मेंस है, मैंने वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज ऑफ हिज करियर। पंकज कपूर के साथ जितने भी उनकी टीम जितने भी सीन्स हैं बहुत ही अच्छे हैं, और एक तरह से पंकज कपूर इतने सीजनड एक्टर हैं और उनके एक्चुअल में डैड हैं, तो हर फ्रेम यू नो इट वॉज सो हार्ट वार्मिंग टू वॉच। बट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शाहिद कपूर हैज़ ग्रोन एज एन एक्टर, बहुत ठहराव आ गया है उनमें, और हर फिल्म के साथ यू नो इतने वाइड रेंज ऑफ एक्टर यू नो मूवीज़ उन्होंने किए, हैदर, उड़ता पंजाब, जब वी मेट, सब अलग अलग जॉनर की मूवीज़ हैं, एक्शन मूवीज़ कभी से, तो वो हर जॉनर में अपनी वर्सेटैलिटी प्रूव करते जा रहे हैं, तो उनके लिए आई थिंक ही इज़ रियली कमेंडेबल, रिमार्केबल, उनके एफर्ट्स देखने को मिलते हैं। मैं 3.5 दूंगा, अगर थोड़ा एडिटिंग के ऊपर ध्यान देते तो 4 तक जा सकता था। डेफिनेटली मैं शाहिद कपूर को 80 से जानता हूँ, जब उनके डैड उनकी बहन को मिलने आते थे जूहू में, तो मतलब वो उन जब वो छोटे से थे, मुझसे 2 साल छोटे हैं सिर्फ वो, तो तब से हमने उनको देखा है कि वो उसके बाद इतने बड़े एक्टर बन गए, फिर शामिक डावर की क्लासेस में भी हम लोग मिले हैं, तो और कनाडा में जब किस्मत कनेक्शन की शूटिंग हो रही थी तब भी उनसे मिला, तो ही इज़ अ वेरी फाइन एक्टर एंड वेरी गुड पर्सन इन रियल लाइफ,
और उनके एफर्ट्स हमेशा देखने को मिलते हैं, तो उनका नॉकआउट परफॉर्मेंस है एंड आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू गो एंड वॉच दिस मूवी। यार एक साथ आया करो। ओके रोल कर रहे हो क्या? एक मिनट और मैं कुछ फ़ोन किए बगे मैं ये पहला डिस्टर्ब करता है। हाँ मैम 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 पुट बाय दिस है सांडा बॉम्ब अंकल। अरे सर आप लोग बॉम्ब अंकल के अंडर डालिएगा, चैनल आपका रहने दो, बॉम्ब अंकल का अंडर रहेगा तो वो आपको ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे। ओके ठीक है ना, अभी हाल ही में मेरा 2.5 लाख व्यूज़ हो गया। अच्छा के जी एफ का तो what do you have to say about the film sir, how good is the film? Very good film. Okay jab Bong uncle bolta hai, I am known as Bong uncle in YouTube and I have somehow a whole on creativity. To a content driven film hai, bahut achhi film hai, pot boiler film nahi hai, larger than life film nahi hai, mass oriented film, so called mass oriented film nahi hai, it's a class oriented film, classy logo ke liye pasand aayega. Storyline अच्छी है बट इट लीड्स टू अ अनहैप्पी एंडिंग जो मुझे खास तौर पे इतना भाता नहीं है। इवन शोले वॉज अ सुपर डुपर हिट बट आई विश शोले हैड अ हैप्पियर एंडिंग। सो ये मेरा एक फ्लॉ है, मुझे हैप्पी एंडिंग पसंद है बट हैविंग सेड दैट द कॉन्टेंट ऑफ द फिल्म इज़ गुड, द परफॉर्मेंसेज आर गुड, द म्यूजिक इज ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, इसमें एक गाना है मैं तेनु, इट्स फंटेस्टिक, इनफैक्ट ऑल नंबर्स आर गुड, बहुत अच्छा। द परफॉर्मेंसेज ऑफ शाहिद कपूर, द केमिस्ट्री बिटवीन शाहिद कपूर एंड हिज फादर पंकज कपूर इज सुपर्ब। अब शाहिद कपूर इज इन्फेक्टेड विद अ प्रॉब्लम कॉल्ड आरती, आई एम नॉट गिविंग अ स्पॉइलर, आई एम जस्ट टेलिंग यू, बिकॉज ऑफ दैट ही हैड टू लीव क्रिकेट एंड बिकॉज ही हैड टू डेयर ऑल प्रॉब्लम्स, सारे कठिनाइयाँ उनके ऊपर आ जाती है, उनके फैमिली के ऊपर। तो प्रॉब्लम क्या होता है उसके वजह से, क्रिकेट छोड़ने के वजह से उनके अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती है। ये फिल्म जर्सी, वो एक ही ये था, उसको सिर्फ 500 रुपये की जर्सी खरीद के देनी थी अपने बच्चे को, वो नहीं कर पाया था, वो इतना मतलब नाकाम हो गया था बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ प्रॉब्लम। तो डॉक्टर ने कहा था आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, लोगे तो आपका हार्ट फेलियर हो जाएगा, इसके वजह से वो कहीं काम भी नहीं कर पा रहा था। तो एनीवे बट इवेंचुअली ही प्रूव टू द वर्ल्ड दैट आई वांट टू गिव माय लाइफ प्लेइंग द गेम। तो बेटे ने कहा, वो बेटे से पूछता है आखिर में मुझे खेलना है या नहीं खेलना है, तो बेटा बोलता है खेलो, तो उसका दिल, उसको पता है दिल रखेगा तो वो ही लूज इज लाइफ, सो ही विंस द फाइनल एंड देन ही लूज इज लाइफ बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एलिमेंट दैट गोज इन टू द ये। तो वो एक कुर्बानी थी गेम के लिए, एक डेडिकेशन थी, एक कुर्बानी थी, आप समझ रहे। तो आई एम रियली हैप्पी विद दिस कंटेंट बट केमिस्ट्री बिटवीन मृणाल एंड शाहिद, हाँ द केमिस्ट्री बिटवीन खास करके पंकज कपूर ओके एंड शाहिद कपूर इज फैंटास्टिक। मृणाल इज ऑल्सो वेरी गुड आर्टिस्ट, बॉलीवुड जागो, मृणाल ठाकुर को वेस्ट कर रहे हो, शी इज़ अ वंडरफुल आर्टिस्ट, सुपर 30 में आई थी फिर कहाँ अब आ रही है। No, we should give them chances. Otherwise, Bollywood will never rise. तो anyways, तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगा, खास करके मैंने जो गाना बोला था ना मैंने तनु, बहुत अच्छा है, हर एक नंबर अच्छा है बट खास करके एक दो नंबर्स जो है ना वो बहुत अरसों तक चलेगा, हमको बहुत मज़ा आया सुन के। बैकग्राउंड म्यूजिक भी अच्छा था, इट वॉज सपल, इट वॉज mediocre but it went with the theme of the film. देखिए हर टाइम पे आप larger than life जो स्क्रिप्ट होती है उसके लिए बैकग्राउंड म्यूजिक अलग टाइप होता है, तो ये दिस डिमांडेड अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड म्यूजिक, मैं टेक्निकल एस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। देखिए आप स्टार्स में कन्वर्ट करो, आई थिंक इट्स अ वॉचेबल फिल्म, इट्स अ गुड फिल्म, इट्स अ कॉन्टेंट ड्रिवन फिल्म, नॉट अ मास ओरिएंटेड फिल्म, प्योर मास बट अ क्लास ओरिएंटेड फिल्म, बट अच्छी फिल्म है, देखने लायक है, रिपीट वैल्यू ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको, ऑडियंस ज़्यादा नहीं जाएगी दो बार तीन बार देखने, पर एक बार तो देखना है और अच्छा लगेगा।
मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं प्रमोट करना चाहता हूँ. इट्स अ फिल्म टू बी वॉच बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस, बिकॉज द इमोशंस दैट वर एक्सट्रैक्टेड वी सॉ ऑन द स्क्रीन, बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड म्यूजिक, बिकॉज ऑफ द सॉन्ग्स. दिस फिल्म इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल. मैंने ओरिजिनल देखी नहीं, कल ही मेरे पास वीडियो आई थी, मैं यूट्यूब में देखना चाह रहा था बट अनफॉर्चुनेटली मुझे टाइम नहीं मिला. बट सुनाऊँ, ओरिजिनल बहुत अच्छा है, तो मैं ओरिजिनल देखने के बाद मैं कंपेयर कर पाऊँगा. आई एम अ वेरी ऑनेस्ट रिव्यूअर सर, मैं आई डोंट मेकअप स्टोरीज, जो भी मेरे दिल से निकलता वही मैं बताता हूँ. ओके, गॉड ब्लेस यू. देखिए जर्सी के बारे में एक ही चीज़ बोलूँगा, सुपर हिट, टोटली धमाल मूवी है. वैसे तो ये मूवी 14 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी KGF के साथ, लेकिन इस जर्सी की टीम ने बहुत अच्छा किया कि 1 week पोस्टपोन किया. अभी इस नज़र में आ जाएगी ये मूवी. देखो ये मूवी तेलुगू का रीमेक है, लेकिन अगर आप लोग तेलुगू मूवी जर्सी देखे हैं तो प्लीज़ आप इस मूवी को भी देखो. इसमें जो शाहिद कपूर ने जो कमाल किया ना यार, सुपर, मतलब कि आंखों में आंसू लिया है यार, ऐसा एक्टिंग कर दिया पर्दे पर उन्होंने. लाजवाब लाजवाब, उनके जितने भी केमिस्ट्री दिखा मेरे को बहुत मज़ा आया देखने में. फिर उनकी जो केमिस्ट्री के साथ साथ बेहतरीन सॉन्ग है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि फादर और सन दोनों साथ में काम किए हैं, पंकज कपूर सुपर है, दोनों बाप बेटी की केमिस्ट्री भी अच्छी दिखी. म्यूजिक कैसा लगा फिल्म? म्यूजिक बहुत अच्छा, बैकग्राउंड म्यूजिक हो या सॉन्ग हो, मतलब कि रोंगटे खड़े कर देते, ऐसे ऐसे म्यूजिक हैं. ओवरऑल कितना स्टार देंगे आप? 3 स्टार. सर क्या कहेंगे इस मूवी के बारे में? मूवी वेरी नाइसली मेड, बहुत अच्छी बनाई है, साउथ के डायरेक्टर है. ऑफकोर्स ये रीमेक है जो बहुत जन बोल रहे हैं, बट हिंदी ऑडियंस के लिए इट्स अ फ्रेश मूवी. दो बार ऑलरेडी डिले हो चुकी है, पोस्टपोन्ड हो चुकी है. 31 December वॉज इट वॉज सपोज टू कम. लास्ट वीक KGF का जो सन्नाटा था और जो इसके वजह से ये मूवी दब गई थी, बट आई थिंक गुड टाइम टू रिलीज द मूवी और लोगों को अच्छी लगेगी. ओरिजिनल से कितनी अलग है यार? ओरिजिनल फ्रेंकली बताऊं तो मैंने देखी नहीं है, क्योंकि मैं फ्रेश माइंड से देखना चाहता था कि हिंदी कैसी है. तो मुझे लग रहा है कि मूवी काफ़ी अच्छी बनाई हुई है. शाहिद कपूर के परफॉर्मेंस के बारे में क्या? शाहिद कपूर की एक्टिंग बहुत ही अच्छी है. जैसे कबीर सिंह में उन्होंने दिल जीत लिया था लोगों का उनकी एक्टिंग से, यहाँ पर उनकी एक्टिंग बहुत सटल है, बहुत बोलते हैं ना सहमी हुई है, और आई थिंक इमोशनल मूवी है विच एवरी वन विल लाइक इट. Yes, he was always a bankable actor. It's more to do with the script. If you have the right content, right director and the right script, then no actor is a small actor or a big actor. You know, we have seen content is always the king, which I keep on telling in all my interviews. Talking about the chemistry of Mrunal and Shahid and Shahid and Pankaj Kapoor. Yes. The father and son duo. So what do you have to say about that? So Pankaj Kapoor and Shahid, they are actually chemistry because they are comfortable working with each other. सो वो कोच और प्लेयर की जो केमिस्ट्री, इट्स कम आउट वेरी नाइसली. पंकज कपूर अगेन वेरी गुड एक्टर, हिज रोल इज ऑफ अ कोच, वेरी नाइसली डन. केमिस्ट्री बिटवीन मृणाली एंड शाहिद इज ऑल्सो ओके, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर फाइटिंग, सो केमिस्ट्री वाइज इट्स काइंड ऑफ गुड. देर डन देर रोल्स क्वाइट फेयरली, बिकॉज वो छोटे छोटे रोल्स हैं, तो दे हैव डन इट वेल. कितने स्टार्स देना चाहेंगे सर? मैं ये मूवी को दूंगा 4 स्टार. एक तो साउथ की मूवी है, मेरा एक कहना है कि साउथ के डायरेक्टर जिस हिसाब से हिंदी बेल्ट में मूवीज़ बना रहे हैं और आगे भी बनाते रहेंगे, तो हिंदी ऑडियंस के लिए इट्स अ विन विन सिचुएशन कि हमें अच्छी मूवी अच्छे कंटेंट के साथ देखने मिलेगी हर फ्राइडे. थैंक यू.